हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं हम रेड बुल एडिक्शन की, या फिर किसी भी एनर्जी ड्रिंक की एडिक्शन हमको क्यों होती है। क्योंकि आजकल ये टॉपिक बहुत चर्चा में है कि एनर्जी ड्रिंक्स के हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या अफेक्ट्स हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं कि क्यों एनर्जी ड्रिंक हमको एडिक्शन में डालती है, हमारा पीने का मन करता है और हम उसको डेली बेसिस पे दिन में मल्टीपल टाइम्स पीते हैं, क्या कारण है उसका, इस वीडियो में बात करते हैं। पहले आप समझिए कि एक एनर्जी ड्रिंक, एग्जांपल लेते हैं रेडबुल हमको क्यों एडिक्शन है। मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा एडिक्शन उसका ब्रांडिंग है। हम जब उसका ब्रांड देखते हैं, इतना बड़ा ब्रांड है, बहुत लोग उसको पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको देख के उसको पीते हैं, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसमें जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो और भी एनर्जी ड्रिंक में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बाकी एनर्जी ड्रिंक्स को छोड़ के उसी को चूज़ करते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, उसका एक फैक्टर है टेस्ट, उसका एक फैक्टर है कलर, कैरामेल कलर जो बियर से मैच करता है। तो बात करते हैं एडिक्शन की। कैफीन के कारण, जो रेडबुल के अंदर कैफीन होता है, वो बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स है हमको एडिक्शन दिलाने के लिए। जैसे बहुत लोगों को चाय की एडिक्शन होती है, बहुत लोगों को कॉफ़ी की, वो भी एडिक्शन कैफीन की वजह से ही होती है। क्योंकि कैफीन जब हम बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन सबसे बड़ा फैक्टर है एडिक्शन का। डोपामाइन जब रिलीज होता है हमारी बॉडी में, तो डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के थ्रू ब्रेन में सिग्नल भेजता है। तो जैसे वो सिग्नल ब्रेन में जाते हैं तो हमें एक प्लीजरनेस, एक अच्छी फीलिंग आती है, हमारा मूड नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, एक मूड स्विंग होता है, एक गुड हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में कैफीन की वजह से। उसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम में हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है उस अच्छे मूड की वजह से। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब हम इसको बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी बॉडी से उस ड्रग की वजह से अपने आप जो डोपामाइन रिलीज़ होता है वो रिलीज़ होना कम हो जाता है, इसीलिए हम कैफीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और यही फिनोमिना है बाकी सब ड्रग्स का, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे कोकीन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो उसी चीज़ को वो बार बार रिपीट करने लगती है और हमारा जो मूड है, हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है, उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है और तुरंत उसको वो ड्रिंक पीने से अच्छा मूड मिलता है, तो वही चीज़ उसको उस एडिक्शन में ले जाती है। तो मेन बात यह है कि इस एडिक्शन से हमको बाहर कैसे आना है, कैसे हम रेडबुल का यूज़ कम करें, एनर्जी ड्रिंक का यूज़ कम करें। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि डोपामाइन हमको और कैसे मिल सकता है। डोपामाइन हमारी बॉडी में नेचुरल होता है, जो कि इसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ होता है। एक्सरसाइज करते समय, रनिंग करते समय, साइकिलिंग करते समय भी डोपामाइन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, तभी हमको उसके बाद एक अच्छा फीलिंग आता है। जब भी हम कहीं हिल स्टेशन घूमने जाते हैं तब भी हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है, और इस तरह के और भी हैप्पी हार्मोन जिसको बोले जाते हैं रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज़ होता है रनिंग करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद, जिससे हमारी बॉडी एक अच्छा फील करती है। तो आपको इसका अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। और रेडबुल एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम खाना नहीं खाते, रेडबुल से एनर्जी ले लेते हैं और हमारी बॉडी एनर्जी के चक्कर में खाना खाने की तरफ अपना ध्यान हटा देती है। तो सबसे पहले आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद आपका कोई भी एडिक्शन करने का मन अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी तब खाना पचाने में व्यस्त हो जाएगी, तो आप इतना सोच नहीं पाओगे। और दूसरी बात, आप इसके अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढो कि आपको डोपामाइन, एंडोर्फिन लेवल और जहाँ हैप्पी हार्मोन्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। आप प्रोटीन शेक पी सकते हो, आप बनाना खा सकते हो, आप अपना फेवरेट फ्रूट खा सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए लेट के रिलैक्स हो सकते हो, ताकि जो वो आपका जो उस टाइम पे जो माइंड में घूम रहा है वो थोड़ा बाहर चला जाए। ये सब साइकोलॉजिकल है, ये आप ही को मेंटेन करना है। अगर आप एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसको छोड़ने में या फिर आप उसकी आदत को कम कर सकते हो। और आखिरी बात, एक एनर्जी ड्रिंक आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को भी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स रेट में बहुत ज़्यादा हाई होती है। नॉर्मल सोडा पॉप से, कोका कोला से, ये इसका रेट लगभग 3-4 गुना ज़्यादा होता है। उसका भी ये फैक्टर है कि इसको नॉर्मली लोग कोका कोला की तरह या और कोल्ड ड्रिंक्स की तरह खरीदने लग जाएँ और उनको पीने लग जाएँ, ता जो उसको एक अलग कैटेगरी में रखने के लिए इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।